देखिए आज हम लोग आयरन ऑर टेस्ट करेंगे। इनका ट्रांसफार्मर है, एल बी साइड है दोनों और ये एच बी साइड है। देखिए इसका सर्किट डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे एम एल सी वी है, ये वाट मीटर का है और ये मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। यहाँ पे देखिए एल बी में हम सप्लाई दिए और एच बी को हम ओपन रखेंगे आयरन लॉस टेस्ट में। तो आइए इसका सर्किट से हम लोग समझते हैं। आयरन लॉस टेस्ट करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर में, इसको ओपन सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एच बी साइड ओपन रहता है। तो देखिए कैसे कैसे होता है। यहाँ देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 230 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर है। यहाँ से ये वाट मीटर में क्या है, वाट मीटर का एम एल सी वी है। ये है हमारा करेंट कॉइल और ये है प्रेशर कॉइल पी सी। सी सी मतलब करेंट कॉइल और पी सी मतलब प्रेशर कॉइल। तो सी सी कॉइल का दो टर्मिनल है एम एल और पी सी का सी वी। तो एम से सी को हमको शॉर्ट करना है और एल से हमारा इधर लोड की तरफ जाएगा सप्लाई और वी से हमारा न्यूट्रल की तरफ। यहाँ ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर से हमको न्यूट्रल मिला है यहाँ पे सप्लाई जाएगा। उसके बाद हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो में वोल्ट मीटर की जगह पर हम मल्टीमीटर का यूज़ करके हम वोल्टेज को मेजर करेंगे और यहाँ सीरीज में एम्पियर मीटर लगाएंगे और यहाँ सप्लाई हम एल वी साइड देंगे, लो वोल्टेज साइड। जिधर कम टर्न रहता है उधर हम सप्लाई देंगे और जिधर ज़्यादा टर्न है उसको हम लोग ओपन रखेंगे। आयरन लॉस को हम एच वी साइड से भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो हम लगाए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इसको एच वी साइड से लगा के एल वी साइड ओपन रख के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा नुकसान कि वाट मीटर का जो रेटिंग है वो अधिक रेटिंग का खरीदना पड़ेगा। एमीटर, वोल्ट मीटर और ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है उसका अधिक रेटिंग का हमको खरीदना पड़ेगा, तो ज़्यादा महंगा होगा। इसीलिए हम लोग इसको एल वी साइड से हम लोग टेस्ट करते हैं। कम रेटिंग का मतलब जैसे इधर 440 वोल्ट है और इधर 230 वोल्ट है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये स्टेप डाउन कर रहा है तो 230 वोल्ट रेटिंग का हमको वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और ऑटो ट्रांसफार्मर हमको ले खरीदना पड़ेगा। अगर हम इधर से टेस्ट करेंगे एच बी साइड से तो हमको 440 का सब खरीदना पड़ेगा, वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। इसीलिए हम लोग इधर से एल वी साइड से हमेशा टेस्ट करते हैं। और एच बी साइड से ड्रेंजर्स भी है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर इसको अंदर से सप्लाई मिल रहा है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फेज है, यहाँ पे फेज है और यहाँ पे न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पे फेज मिल रहा है, देखिए यहाँ पे फेज है और यहाँ पे न्यूट्रल है। तो देखिए फेज से यहाँ से निकल करके इसके अंदर में ये कनेक्शन है और देखिए यहाँ से जो निकला है ये वायर, ये देखिए ये वायर गया है और इसको घुमाएंगे तो वेरी करेगा। यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे तो वोल्टेज हमारा वेरी करेगा। इसीलिए ये तीर का निशान यहाँ पे है, ये तीर का निशान यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि वेरी करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो अगर नीचे आता है तो वोल्टेज कमेगा, ऊपर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ से जो आया है यहाँ गया है एम में, देखिए वाट मीटर के एम टर्मिनल पे गया है। देखिए यहाँ से आया है एम पे गया है और देखिए यहाँ पे देखिए एम में गया है ये, देखिए यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए एम लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ एम से सी शॉर्ट है, एम से सी शॉर्ट है तो एम से हम सी को शॉर्ट कर दिए। देखिए एम और कॉमन, सी मतलब कॉमन, एम से हम सी को शॉर्ट कर दिए। देखिए छोटा सा वायर है यहाँ शॉर्ट कर दिए हैं और देखिए यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा, देखिए एम से सी को शॉर्ट कर दिए और वी वाला पॉइंट है, वी वाला को हम न्यूट्रल से देंगे। देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हम वी को दे दिए। देखिए वी है, ये वी है, ये वाला वी यहाँ पे है, देखिए न्यूट्रल में ये चला गया है, ये वी चला गया न्यूट्रल वी। अब देखिए वी चला गया है, अब यहाँ से जो एल से जो जाएगा, एल से देखिए एल से जो निकला है एल से जाएगा एमीटर में, एल से जाएगा वोल्ट मीटर में। लेकिन वोल्ट मीटर हम नहीं लिए, यहाँ मल्टीमीटर का हम यूज करेंगे तो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। देखिए एल से जो निकला है एमीटर के कॉमन में गया है, देखिए एमीटर से जो आउट हुआ है, एमीटर से जो आउट होगा वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर के एल वी साइड में। देखिए एल वी साइड में गया है, ट्रांसफार्मर के एल वी साइड में चला गया। अब देखिए यहाँ से जो हम लिए थे वायर, यहाँ न्यूट्रल का यहाँ गया था वाट मीटर में गया, वाट मीटर से वोल्ट मीटर में जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर के रूप में हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो इसके पॉइंट को हम यहाँ पर लगा देंगे तो मेजर हो जाएगा। आगे देखिए आगे यहाँ से जो आया है, यहाँ से जो गया वो ट्रांसफार्मर में चला गया है। देखिए ये वायर ट्रांसफार्मर में एल वी साइड दोनों चला गया है, फेज और न्यूट्रल। अब इससे हम लोग मेजर करके देखते हैं, इसका हम टेबल बना लिए हैं, टेबल वोल्टेज, करेंट एंड वाट। इससे हम लोग वोल्टेज को वेरी करके इसका मेजरमेंट हम करेंगे आयरन लॉस का। तो अब देखिए वाट मीटर जो है, वाट मीटर यहाँ 600 है, यहाँ पे देखिए 300 है, यहाँ पे 150 है। तो हम यहाँ पे 220 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए 300 पर यहाँ कनेक्ट किए हैं। अगर हमारा ज़्यादा वोल्टेज पर रहता तो यहाँ 600 पर लगाते या उससे कम रहता तो यहाँ पर 150 पर लगाते। तो इसलिए हम यहाँ पे 300 लगाएं क्योंकि हमारे पास वोल्टेज 220 है। देखिए सप्लाई को ऑन कर दिए, देखिए यहाँ पे लाइट जल गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जीरो पे है, ये जीरो पे है, ये नोब आपको दिख रहा होगा छोटा सा,
ये नोब इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा वोल्टेज। देखिए अभी जीरो पर है, अब धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ कॉपी में दिखाइए, यहाँ देखिए जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो ये नोब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो वोल्टेज हमारा बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वोल्टेज हम कितना पर देते हैं, 100 पर देते हैं, 100 वोल्टेज देते हैं, 100 पर सेट किए हैं। देखिए यहाँ पे हम 100 वोल्ट दिए हैं। अब देखिए करंट कितना आ रहा है इसका, करंट में कुछ करंट नहीं आ रहा है, करंट जीरो है, तो करंट जीरो हो गया। देखिए करंट जीरो हो गया, तो करंट जीरो हम लिख दिए। अब वाट देखते हैं, वाटेज कितना है, वाटेज कितना उठा है। देखिए यहाँ पे दो घर के बीच में है, तो ये 5 वाट हुआ इसका। देखिए यहाँ पे 5 वाट हो गया इसका, 5 वाट। अब देखिए वोल्टेज को हम वेरी करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, कितना करते हैं, 100 है कितने हैं, यहाँ से 150 कर देते हैं वोल्टेज को। देखिए 150 पर कर दिया है। अब देखते हैं हमारा वाटेज कितना उठा। देखिए 150 पे है ये, 160 और 140 के बीच में है। देखिए 150 पे हो गया। अब देखते हैं इसका वाटेज कितना उठा है। देखिए इसमें इसमें कितना वाटेज उठा है, लगभग 10 के आसपास है, 10 वाट। देखिए यहाँ हम 150 वोल्टेज दिए हैं, 150 वोल्टेज दिए, तो करंट में भी कुछ नहीं है, जीरो है, और वाटेज 10 वाट उठा है। तो वोल्टेज को और वेरी करते हैं। देखिए अब हम लगभग 200 के आसपास करते हैं। देखिए वोल्टेज हम 200 कर दिए हैं। देखिए ये 200 के पास है, 200 वोल्ट हो गया। अब देखते हैं वाटेज कितना उठा है इसमें। देखिए वाटेज लगभग 15 वाट आया है इसमें, 15 वाट। तो देखिए यहाँ पे 15 वाट हम लिख लेते हैं कॉपी में, हम 15 वाट लिख लिए हैं। दिखाइए 15 वाट आ गया है, 150 था, 200 वोल्टेज पे कितना आया, 15 वाट। तो आइए अब वोल्टेज को और बढ़ाते हैं इसमें, दो लगभग 220 के आसपास करते हैं, 220 नहीं 240 के आसपास करते हैं, 240। देखिए 240 की यहाँ पे है ये नोब। अब देखते हैं इसमें वाटेज कितना आया है। तो देखिए कितना घट है, 1 2 3, 240 वोल्ट, और 240 वोल्ट पे हम लिए हैं, तो हमारा वाटेज आया है 15 वाट ही आया। करंट देखते हैं, तो करंट लगभग 0.3 है। देखिए वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, लगभग 260 के आसपास करते हैं। देखिए 260 के आसपास हो गया है। वाटेज देखते हैं, देखिए कितना आया है वाट, लगभग ये 20 वाट के आसपास आया है, 20 वाट। तो ये 260। देखिए हम आयरन लॉस टेस्ट किए, उसका टेबल बनाए थे, उसमें रीडिंग आया है। अप्लाइड वोल्टेज 50 वोल्ट हम दिए थे, तो इसमें कंज्यूम पावर हुआ था 2 वाट। इसमें करंट 0 एम्पियर था, 0 एम्पियर आया था, और जब हम अप्लाई वोल्टेज 100 वोल्टेज किए थे तो कंज्यूमिंग पावर 9 वाट आया था, करंट 0 था, 0 एम्पियर। फिर हम 150 वोल्ट जब ऑटो ट्रांसफार्मर से बढ़ाए थे तो हमारा 18 वाट पावर कंज्यूम हुआ था, करंट 0। फिर हम 200 वोल्ट पे अप्लाई किए थे उसको ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो 32 वाट आया था और करंट 0 एम्पियर। और 230 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर से हम बढ़ाए थे तो हमारा पावर कंज्यूम हुआ था 48 वाट और करंट 0 एम्पियर। फिर हम 242 वोल्ट अप्लाई किए थे ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा, 52 वाट आया था, करंट 0 एम्पियर। तो इससे कंक्लूजन निकलता है हमारा। देखिए इसका टिप्पणी में देखते हैं, देखिए इसमें करंट का मान नगण्य, यानी करंट का मान बहुत ही कम था, अतः केवल आयरन लॉस ही हो रहा है, कॉपर लॉस नहीं हो रहा है, निग्लिजिबल है, कॉपर लॉस निग्लिजिबल है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, या निष्कर्ष, देखिए वोल्टेज के बढ़ने पर आयरन लॉस भी बढ़ जाता है, अर्थात आयरन लॉस वोल्टेज के समानुपाती होता है। इसका रिमार्क में देखते हैं, 3 KVA का ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट जो हम अप्लाई किए थे उस पर 48 वाट आयरन लॉस लगातार होता रहेगा, कंज्यूमर चाहे लोड लगाए अथवा ना लगाए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।